Hello everyone, in this video we are going to learn application of logic in switching circuit. सबसे पहले हम देखते हैं कि स्विच क्या होता है. ये एक वायर है और मैथमेटिकली स्विच जो रहेगा वो इस तरह से हम डिनोट करेंगे. आप ध्यान देंगे कि ये एक जो आपको दिख रहा है पोर्शन, इसके कारण ये कनेक्टेड नहीं है, तो दिस इज अ स्विच. और ये जो स्विच है ये हमने इट इज इन ऑफ पोजीशन, स्विच हमने ऑफ करके रखा है, मतलब यहां से करंट पास नहीं हो रहा है. सो हियर द स्विच इज ऑफ. नाउ दिस इज स्विच इज ऑफ. नाउ हियर दिस इज आल्सो अ वायर, करंट यहां से जा रहा है और हमने स्विच को ऑन कर दिया है. स्विच ऑन है, यहां पर स्विच ऑफ है. स्विच ऑफ है बट सर्किट इज ओपन. ओके, सर्किट इज ओपन. हियर स्विच इज ऑन बट सर्किट इज क्लोज्ड. अगर सर्किट क्लोज्ड है तो लैंप अगर है उसमें तो वो ग्लो हो जाएगा. अब यहां से हमने स्विच तो ऑफ करके रखा है ना, स्विच ऑफ है तो करंट पास ही नहीं होगा. और करंट पास है, मान लीजिए हमारे सर्किट में लैंप लगा हुआ है तो वो ग्लो नहीं होगा. सो दीज आर द टू बेसिक थिंग्स. अब ये स्विचेस को हम सर्किट में अप्लाई करके देखते हैं. तो सर्किट किन चीजों से बनता है, लेट अस स्टार्ट. दिस इज अ बैटरी एंड सपोज इन दिस बैटरी वी हैव अटैच वन मोर इंस्ट्रूमेंट एंड दिस इज लैंप. एंड देन अलोंग, सो द फर्स्ट थिंग इज बैटरी, second is any instrument will generally consider it as a lamp only. And then we have numerous switches, we can have numerous switches rather. We have for the first time we are considering it as only one switch. So ye hamara basic circuit diagram ho gaya jisme char cheeze hain. First is battery, second is lamp, third is wire and fourth is switch. इस डायग्राम में हमने सिर्फ एक ही स्विच लिया हुआ है. एंड राइट नाउ दिस स्विच ये जो है ऑफ है, मतलब इसमें से करंट नहीं जा रहा है. और करंट नहीं जा रहा है मतलब लैंप लगने वाला नहीं है, ये ग्लो नहीं होगा. अब एक काम करेंगे हम, सपोज इसमें हमने दो स्विचेस ऐड कर देते हैं. सो नाउ वी हैव टू स्विचेस, दिस इज एस वन एंड दिस इज एस टू. बोथ दी स्विचेस, दोनों जो स्विचेस है वो ऑफ है. ऑफ है मतलब करंट इसमें से नहीं जाएगा, मतलब यहां करंट आएगा ही नहीं, तो इसमें से जाने का सवाल नहीं उठता. ओके, नाउ यहां आपने देखा कि ये जो पोजीशन है इसको कहते हैं स्विच इज ऑफ. ये जो पोजीशन है यहां कहेंगे स्विच इज ऑन. स्विच ऑन मतलब करंट फ्लो होने वाला है, स्विच ऑफ मतलब करंट फ्लो नहीं होगा. यहां पर हमने देखा कि ये जो दोनों स्विचेस है, दोनों स्विचेस ये जो पोजीशन होती है जहां कंटिन्यूअसली दो स्विचेस है, ये जो पोजीशन है इसको हम कहते हैं जो स्विचेस आर इन सीरीज. यहां पर जो स्विचेस है ये सीरीज में है. ओके, एंड देन वी कैन सिमिलरली हैव सपोज लाइक दिस वी कैन हैव हियर द स्विचेस आर इन पैरेलल. यहां एक फर्स्ट स्विच, ये सेकेंड स्विच. लेकिन अब यहां क्या हुआ है, जब कदर करंट आएगा तो इट विल बी लाइक यहां से भी जा सकता है और यहां से भी जा सकता है. अगर केयरफुली समझेंगे आप लोग, एक इंपॉर्टेंट चीज है, ये सीरीज में क्या होता है, अगर करंट पहले स्विच से ही, अगर स्विच हमने मतलब बंद है स्विच तो करंट जाएगा नहीं, तो सेकंड में जाने का सवाल नहीं उठता. मतलब अगर यहां से अगर लैंप को ग्लो होना है तो दोनों ऑन होने चाहिए, है ना, दोनों ऑन होने चाहिए. और जब सीरीज में लगा रहेगा तो हम एक इस तरह से लिखेंगे इसको. चलिए अब इसको लॉजिक वाइज हम भी समझते हैं. लॉजिक में हम इस तरह से स्टार्ट करेंगे इसको कि हम कहेंगे चलो पी जो है वो फर्स्ट स्टेटमेंट है एंड एस वन इज अ स्विच एंड क्यू स्टेटमेंट विल ऑल्सो बी एस टू इज अ स्विच एंड देन पी, क्योंकि ये सीरीज में है तो एंड होगा. अगर पी एंड क्यू है तभी जो हमारा लैंप है वो ग्लो हो पाएगा. क्योंकि अगर दोनों स्विचेस, मतलब ये भी स्टेटमेंट अगर ट्रू है, अब ट्रू किसको कहेंगे, जब हमारा स्विच ऑन रहेगा. अब यहां पर देखिए आप, दोनों जो है वो ऑफ है और अगर दोनों ऑफ है तो लैंप ग्लो होने वाला नहीं है. बाय द वे फिलहाल ये जो चीज है ये हम कब यूज करने वाले, व्हेन बोथ द सीरीज, बोथ द स्विचेस आर इन
सीरीज में है तो हम एंड यूज करने वाले हैं। अब इधर देखिए इसी तरह से सिमिलरली ये जो एस वन सीरीज है और एस टू सीरीज है दोनों जो है वो पैरेलल में है। अब अगर पैरेलल में है तो क्या होने वाला है इसको देखिए, करंट यहां से आएगा डिवाइड होके ऊपर से भी जाएगा नीचे से भी जाएगा। अगर सिर्फ ऊपर से जाता है और अगर ये स्विच बंद है मतलब करंट अगर नहीं जाता है तो ये करंट यहां से नहीं आ पाएगा क्योंकि वो रास्ता पूरा बंद हो जाएगा, स्विच मतलब करंट जो है वो पास ही नहीं हुआ है। लेकिन करंट जो है अगर वो इस स्विच से जाएगा, अगर ये चालू है अगर ये स्विच ऑन है तो करंट यहां से कंटिन्यू हो पाएगा और एंड देन लाइट लैंप जो है वो ग्लो होगा। लेकिन अगर ये दोनों स्विचेस ऑफ है, दोनों स्विचेस ऑफ है तब जाके जो ये जो आपका लैंप है वो ग्लो होने वाला नहीं है। बेसिकली अगर इस तरह से है सीरीज में है तो हम एंड यूज करने वाले हैं और अगर पैरेलल में है तो हम यूज करेंगे। ये कब यूज करेंगे? व्हेन एस वन एंड एस टू आर इन सीरीज। अब अगर पैरेलल में है तो हम लिखेंगे पी और क्यू। सो लाइक ये जो एक कुछ बेसिक चीजें थी जिसके बारे में अभी हमने देखा। नेक्स्ट हम कुछ और सर्किट डायग्राम ड्रॉ करते हैं। उसके पहले अब हम पहले ये स्टेटमेंट्स हैं पी एंड क्यू और आर, ये जो लॉजिकल स्टेटमेंट है इससे करस्पॉन्डिंग हम सर्किट डायग्राम बनाएंगे। अब पहले चेक कर लीजिए कि नंबर ऑफ स्विचेस कितनी है। पी क्यू और आर, वी हैव थ्री स्टेटमेंट्स और इन तीन स्टेटमेंट से करस्पॉन्डिंग हमारे पास तीन स्विचेस रहने वाले हैं। तो देखिए कैसे डिफाइन कर रहे हैं हम। P स्टेटमेंट को हम मानेंगे S1 इज स्विच, Q स्टेटमेंट को हम लिखेंगे S2 इज ऑल्सो स्विच एंड देन वी हैव वन मोर स्टेटमेंट विच इज R एंड विल से S3 इज अ स्विच। और अब हम इन तीन स्विचेस का सर्किट डायग्राम बनाएंगे। उसमें सबसे पहली चीज बैटरी एंड देन वी मे हैव अ लैंप, देन वी मे हैव अ लैंप, लेट अस ऑब्जर्व इट। It is basically right now we can say this is the first one, this is the second statement because ये compound है, मैंने इसको one unit consider किया। अब देखेंगे आप तो ये दो switches हैं, दोनों जो है वो और से separated है। इसका मतलब कुछ इस तरह से हम कर पाएंगे। ये क्या किया हमने, अब आप देखिए यहां ऊपर एक switch रहेगा नीचे एक switch रहेगा क्योंकि ये R में है। okay, अब P से जो स्विच करस्पॉन्डिंग है दिस इज S1, Q से जो स्विच करस्पॉन्डिंग है वो S2 है और R से करस्पॉन्डिंग स्विच जो है वो S3 है। इसका मतलब और में नीचे जो है वो हमारा S3 स्टेटमेंट रहेगा। तो यहां पर एक स्विच बना लेते हैं, ये स्विच बना दिया और इसको हमने नाम दे दिया S3। एंड देन अब देखिए ये दो स्विचेस है S1 और S2, लेकिन दोनों के बीच में एंड है, दोनों के बीच में एंड है। इसका मतलब यहां पर हम दो स्विचेस बना पाएंगे, यहां पर हम दो स्विचेस बना पाएंगे और ये दोनों जो स्विचेस है वो जो है ये S1 और ये रहने वाला है S2। और दोनों चेक करेंगे आप तो ये एंड में सीरीज में है। अब सीरीज में है इसलिए एंड है, मतलब अब फिर से वाई से वर्सा हम उल्टा कंसिडर मानते हैं, ये पी स्टेटमेंट ये क्यू स्टेटमेंट और दोनों एंड में, मतलब ये पी एंड क्यू हो गया। लेकिन ये जो पी एंड क्यू है ये और में है एस थर्ड वाले स्टेटमेंट आर थ्री के साथ। सो इस तरह से अगर हमारे पास लॉजिकल स्टेटमेंट है सो दिस विल करस्पॉन्डिंग हमारा सर्किट डायग्राम बनने वाला है। लेट अस टेक वन मोर एग्जांपल। पी एंड निगेशन क्यू, देन एंड निगेशन क्यू और पी, इस तरह से। अब इसको केयरफुली समझेंगे, हमारे पास P है देन यहां पर Q बना देते हैं इसको कि हमारे पास P स्टेटमेंट भी रहेगा Q भी रहेगा। P से करस्पॉन्डिंग ऑब्वियसली S1 मिलेगा हमें, Q से करस्पॉन्डिंग S2 मिलेगा। अब ये देखिए यहां पर कुछ निगेशन Q लगा हुआ है, ये निगेशन Q लगा हुआ है। ओके, तो निगेशन Q जो है इसका मतलब समझिए, अगर P स्टेटमेंट जो है अगर वो लिखा हमने S1 इज अ स्विच, S1 इज अ स्विच, तो जो निगेशन P है वो बन जाएगा S1 डैश इज अ स्विच।
अब ये डैश वाली चीज क्या होगी, डैश डैश वाली जो चीजें वो क्या हो गई है, ये जो एस निगेशन लगा दिया, मतलब अगर एस वन जो है वो स्विच जो है ऑन है तो एस वन डैश बन जाएगा ऑफ, अगर एस वन ऑफ है तो एस वन बन जाएगा ऑन, मतलब अगर पहला स्विच ऑन है तो उससे करस्पॉन्डिंग जो डैश वाला स्विच रहेगा वो उल्टा रहेगा, ऑन है तो ऑफ बनेगा, अगर ऑफ है तो एस वन डैश ऑन बन जाएगा। सो इस टाइप के जो स्विचेस है इनको कहते हैं कॉम्प्लीमेंट्री स्विचेस, दे आर कॉल्ड एज कॉम्प्लीमेंट्री स्विचेस, दे आर कॉल्ड एज कॉम्प्लीमेंट्री स्विचेस। अब वह कॉम्प्लीमेंट्री स्विचेस भी देखेंगे। सो इधर देखेंगे आप, ध्यान दो, ये पहला स्टेटमेंट है, ये दूसरा स्टेटमेंट है और दोनों के बीच में एंड लगा हुआ है। अब इसका हम कोशिश करते हैं स्टेटमेंट बनाने की। तो ये सबसे पहले हम बैटरी से स्टार्ट करेंगे हम, और ये हमने लैंप बना दिया, वायर्स बना देते हैं हम, ये बन गए वायर्स, दो स्टेटमेंट्स हैं और दोनों एंड में हैं, दोनों एंड में हैं, मतलब कुछ इस तरह से हम बना पाएंगे। फर्स्ट वाला जो है दिस इज पी एंड निगेशन क्यू, पी एंड निगेशन क्यू, तो ये हमने फर्स्ट स्विच जो है वो बना दिया, फर्स्ट स्विच बना दिया, इसको हमने नाम दे दिया एस वन। निगेशन क्यू मतलब दूसरा स्टेटमेंट दूसरा भी रहेगा, दूसरा जो की रहने वाला है उसको हम बोलेंगे निगेशन क्यू स्टैंड फॉर वॉट, जैसे क्यू इज एस टू इज स्विच, तो क्यू निगेशन क्यू विल बी एस टू डैश इज अ स्विच, एस टू डैश इज अ स्विच, तो निगेशन क्यू में ये बन जाएगा हमारा एस टू डैश इज अ स्विच। लेकिन अभी हमने ये देखा था कि अगर S1 स्विच है तो निगेशन P S1 डैश बन जाएगा, और अगर हमने इसको ओपन दिखाया है तो ये जो है वो क्लोज बन जाएगा इस तरह से। देन ये दो स्टेटमेंट्स बन गए हमारे। नाउ सेकेंड वन, ये भी एंड में है तो यहां पर आप देखेंगे नेक्स्ट वन Q और P, Q और P, अब ये Q और P जैसे ही आया है, Q और P जैसे ही आया है तो अब हमारे पास दो और में रहने वाले हैं, इस तरह से स्टेटमेंट बनेंगे हमारे। क्यू मतलब कौन सा स्टेटमेंट, एस टू स्विच है, क्यू इज एस टू स्विच, तो ये हम यहां पर क्यू बना देते हैं, दिस इज एस टू, और ये पी स्टेटमेंट है मतलब कौन सा, एस वन स्विच है यहां पर, हाँ रिपीट हो सकता है, ये एस वन स्विच हो गया। सो इस तरह से हमारा डायग्राम बनने वाला है, ये बैटरी होगी, लैंप हो गया, ये वायर हो गया, केयरफुली वन मोर टाइम, एस वन इज पी, एंड देन दोनों जो है वो सीरीज में है, सेकेंड इज निगेशन क्यू, तो इसको हमने S2 डैश बोला है, सो दिस इज S1, दिस इज S2 डैश, अगेन दिस इज इन सीरीज विद दिस वन, और ये दोनों जो है वो पैरेलल में है, ये हमारा हो गया S2 सेकेंड स्टेटमेंट, और ये है और के में S1, सो वी हैव टेकन वन मोर एग्जांपल ऑफ दिस। अभी ये हमारे पास एक स्विचिंग सर्किट ऑलरेडी बना हुआ है, इस स्विचिंग सर्किट का करस्पॉन्डिंग लॉजिकल स्टेटमेंट बनाते हैं हम। फर्स्ट स्टेटमेंट ये रहेगा S1 से करस्पॉन्डिंग P, तो ये हमने ले लिया P, S2 से करस्पॉन्डिंग Q, S2 से करस्पॉन्डिंग Q, ये दोनों जो है वो और में है तो हमने दोनों में लगा लिया है और, ये और हो गया। देन S1 डैश, अगर S1 P है, अगर S1 से P स्टेटमेंट है, S2 Q स्टेटमेंट है, S1 डैश बन जाएगा निगेशन P और S2 डैश बन जाएगा निगेशन Q, इस तरह से ये आपका निगेशन P है और ये है निगेशन Q, लेकिन दोनों सीरीज में है, ये दोनों जो है वो सीरीज में है, ये दोनों सीरीज में है, तो इसीलिए ये स्टेटमेंट जो है वो रहेगा आपका निगेशन P एंड निगेशन Q, लेकिन ये दोनों इनफैक्ट तीनों जो है वो हमारे पैरेलल में रहने वाले हैं, इसीलिए ये यहां पर हमने और सिंबल डाल दिया। केयरफुली चेक करेंगे हम, फर्स्ट और सेकेंड ये दोनों पैरेलल में है तो यहां और है, ये दोनों जो है ये और में है किसके साथ, तो ये जो नीचे लिखा हुआ है हमने, लेकिन ये जो है S1 डैश और S2 डैश They are in series, इसलिए हमने एंड लिख लिया। सो दिस इज द करस्पॉन्डिंग लॉजिकल स्टेटमेंट फॉर दिस सर्किट डायग्राम। लेट अस टेक वन मोर एग्जांपल, नेक्स्ट वन वी हैव दिस सर्किट डायग्राम। अभी सर्किट डायग्राम के लिए करस्पॉन्डिंगली हम लॉजिकल स्टेटमेंट बनाने वाले हैं, चेक करिए सबसे पहले
let P statement is S1 is a switch, then again Q statement is S2 is a switch, then we have S1 dash. This is S1 dash means negation P. So negation P is S1 dash is a switch. We are writing the statements because we have to convert the given circuit into logical statement. So, logical statements ko define karna padega. Ek baar simple statements define hoge to hum compound statement bana payenge. What is this S2 dash? This is S2, matlab Q. S2 is a switch. So S2 dash will be negation Q. So negation Q means S2 dash is a switch. Switch. And then we have one more switch. This is P, this is Q. Then S3 will be R statement. So the R statement is S3 is a switch. Iska corresponding statement banane ke liye it should be very easy now. ये हमारा फर्स्ट स्टेटमेंट P है, ये Q है और क्लियरली दोनों जो है वो OR है. पहले इतना लिख लेंगे हम, तो ये P स्टेटमेंट हो गया, ये दूसरा Q स्टेटमेंट हो गया, कंपाउंड स्टेटमेंट बन गया. नाउ ये जो कंपाउंड स्टेटमेंट है वो इसके साथ OR में है, बट S1 dash is negation Q, S2 dash is negation, सॉरी S1 dash is negation P, S2 dash is negation Q. तो इसका मतलब negation P सीरीज में है, मतलब एंड negation Q में है. लेकिन ये फर्स्ट स्टेटमेंट और ये सेकंड स्टेटमेंट दोनों जो है दे आर इन पैरेलल, तो ये आपका पूरा कंपाउंड स्टेटमेंट बन गया है. अभी ये पूरा एक कंपाउंड स्टेटमेंट बन गया है और ये कंपाउंड स्टेटमेंट S3 के साथ सीरीज में है. तो इसको हम एंड लिखेंगे एंड दिस इज S3, वी कांट राइट हियर S3 एंड दिस इज R. तो ये हमारा करस्पॉन्डिंग लॉजिकल स्टेटमेंट. We have this next diagram, और इस डायग्राम के लिए भी हमें स्विचिंग सर्किट के लिए हमें लॉजिकल करस्पॉन्डिंग स्टेटमेंट बनाना है. चेक करेंगे हम लोग. S1 मतलब P हो गया, सो लेट P रिप्रेजेंट S1 इज अ स्विच एंड देन वी हैव S2, इट मीन्स Q इज S2 इज अ स्विच एंड देन वी हैव R स्टेटमेंट. R3 मीन्स S3 is a switch and then we have S1, S2, S3. After that we have S1 dash. So S1 dash is P ka negation. Iska matlab negation P and we'll write S1 dash is a switch and we don't have other switches. So we have these four switches. Done. First one. Carefully samjhiye. Ye jo pehla portion hai, ye dono parallel mein hai. ये दूसरा जो है और ये तीसरा, करेक्ट. सो वन टू एंड थ्री दे आर इन सीरीज. ओके, मतलब दिस कंपाउंड स्टेटमेंट एंड सेकंड एंड थर्ड. अब पहला जो है वो चेक करेंगे. पहला जो है ये दोनों जो है वो पैरेलल में लगे हुए S1 और S3. सो लेट अस गो स्टेप बाय स्टेप. S1 रिप्रेजेंट्स P. सो सिंबॉलिक जो फॉर्म रहेगा हमारा, सिंबॉलिक फॉर्म फर्स्ट वाला, S1 रिप्रेजेंट्स P and this is in or mein hai na, this S3. S3 means what? R. So this is P or R. Ye compound statement ban gaya. Now ye series mein hai, iske sath S2 ke sath. So and what is S2? We have S2 here, S2. So this is Q statement and then ab ye jo hai ye bhi and mein hai, iske sath. So this is S3 S1 dash. S3 is R, S3 is R or S1 dash is negation P. S1 dash is negation P. So this is the corresponding logical statement. Now we'll construct switching circuit of the given statement. Dhyan dijiye. P, S1 is a switch. Then we have Q. Q means S2 is a switch. Actually, we are defining what P is, Q is. So first we define. अब हमारे पास statements हैं. Statements को हम corresponding switches है करके denote कर देंगे. And then we'll actually draw the circuit diagram. So P is S1, Q is S2, and then we have R also. So R will take S3 is a switch. And then we have negation P. Negation P will be S1 dash
Remember this, that S1 and S1 dash are called as complementary switches. S2, S2 dash, S3, S3 dash, they are all complementary switches. And then when we also have here negation P, negation Q likhenge. So negation Q will be S2 dash is a switch. Now let us construct it step by step. ध्यान देंगे हम तो पता चलेगा कि ये एक कंपाउंड स्टेटमेंट है, ये दूसरा कंपाउंड स्टेटमेंट है और दोनों के बीच में और है. तो पहला बेसिक अरेंजमेंट कर लेते हैं. ये थोड़ा सा लार्जर स्पेस लगने वाला है तो हमने यहां से स्टार्ट कर दिया. ये बैटरी होगी, ये बैटरी होगी, देन वी कैन हैव इट लाइक दिस एंड देन वी कैन हैव हियर लैंप हियर, देन वी कैन हैव लाइक दिस, देन दिस इज द लैंप. अब देखिए दो स्टेटमेंट्स बनाने हैं तो विल डिवाइड इट लाइक दिस. ये दोनों जो है वो और में रहने वाले हैं, ये दोनों और में रहेंगे. अब ये जो फर्स्ट वाला पोर्शन है, ये जो फर्स्ट वाला रहेगा, दिस इज फर्स्ट कंपाउंड स्टेटमेंट यहाँ आएगा और सेकेंड कंपाउंड स्टेटमेंट यहाँ आएगा. अब फर्स्ट कंपाउंड स्टेटमेंट में चेक करेंगे तो यहां पर भी और है, मतलब दो फिर से आएंगे. तो केयरफुली आपको ये ध्यान देना है, इस तरह से हम इसको डिवाइड कर दिए. Now go to second statement, second compound statement, जो यहां आने वाला है, यहां पर भी और है, मतलब अब हम इसको भी हम डिवाइड कर देंगे, like this, डिवाइड कर दिए, okay? अब step by step चलते हैं. First वाला, this is P statement, तो यहां हम switch बना लेंगे. ये this is S1. अब ये जो एंड में पैरेलल में आने वाला है, यहां पर पैरेलल में ये सीरीज में है लेकिन दो स्विचेस है, नेगेशन पी मतलब S1 डैश और क्यू मतलब S2. सो S1 डैश एंड S1 डैश एंड S2 सीरीज में रहने वाले हैं. तो दो सीरीज बना लेंगे, दो बना लेंगे हम यहां पर. ये एक स्विच और ये दूसरा स्विच, ये रहने वाला है S1 डैश और रहने वाला है S2. सो ये फर्स्ट वाला है, ये जम गया, चेक कर लीजिए आप. ये फर्स्ट पी, देन S1 डैश और S2 ये दोनों एंड में रहेंगे और ये कंपाउंड स्टेटमेंट जो है वो और बनेगा. देन दिस इज डन. नाउ कॉन्सेंट्रेट, लेट अस कॉन्सेंट्रेट ऑन दिस पार्ट. फर्स्ट में जो है हमने यहां पर नेगेशन क्यू एंड आर, मतलब यहां पर फिर से दो स्विचेस आने वाली है. फर्स्ट वन नेगेशन क्यू, नेगेशन क्यू मीन्स S2 डैश. चलिए यहां पर ड्रॉ कर लेंगे हम. सो दिस इज S2 डैश and then this is R represents S3 switch, so this should be S3 switch. ये हो गया हमारा part. Next is negation P, तो ये यहाँ नीचे आने वाला है, तो ये हमारा switch बना लेंगे हम. negation P means negation P means S1 dash, so this is S1 dash. तो इस तरह से हमने ये diagram complete कर दिया. This is the corresponding representation. तो अभी जितना हमने पढ़ा है carefully समझिए. What we are doing is we are doing application of logic into switching circuit. First हमने ये देखा कि ये actually switch होता क्या है. तो एक ये device होता है और वो क्या करता है, current को control करता है. Switch is a device which controls the current, flow of current in the circuit. ठीक है, तो ये इस तरह से हमने अभी तक सीखा हुआ है. Okay.